नमस्कार, मैं हूँ वास्तु कंसल्टेंट एस्ट्रोलॉजर एंड लाइफ कोच डॉक्टर वैशाली गुप्ता। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ आपके घर के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एरिया के बारे में, जो है आपका लिविंग रूम यानी आपका ड्राइंग रूम। आज मैं आपको क्विकली बताऊंगी कि अपने ड्राइंग रूम को डिजाइन करते समय, उसको डेकोरेट करते समय, उसका लेआउट करते समय आपको वास्तु के किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। रूल नंबर वन, जब भी आप अपने ड्राइंग रूम में फर्नीचर रखें तो इस बात का ध्यान दें, नॉर्थ एंड ईस्ट के जो वॉल्स हैं दे शुड बी लाइटर एज कम्पेयर टू द साउथ एंड वेस्ट वॉल। नंबर टू, इस बात का ध्यान रखिए कि आपके ड्राइंग रूम का जो ब्रह्मस्थान एरिया है वो लाइट वेट होना चाहिए या फिर खाली होना चाहिए। अगर आप वहाँ पे कोई सेंटर टेबल लगाते हैं तो बहुत हैवी सेंटर टेबल लगाने की गलती ना करें, क्योंकि आपके लिविंग रूम का जो ब्रह्मस्थान है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है एंड इट शुड बी लाइट एंड लोड फ्री। नंबर थ्री, हम में से कई लोग अपने लिविंग रूम में मिरर्स का उपयोग करते हैं, तो कहीं आपने गलती से अपने लिविंग रूम के साउथ और वेस्ट वॉल पे मिरर्स तो नहीं दे दिए? अगर ऐसा है तो आप उनको तुरंत हटाएं, क्योंकि वो आपके घर में फिनेंशियल लॉसेस और कई तरह के इश्यूज लेके आ सकते हैं। उन मिरर्स को हमेशा नॉर्थ एंड ईस्ट वॉल पे लगाएं। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू कैन डू इन योर लिविंग रूम इज प्लेस अ नाइस वाटर फाउंटेन इन द नॉर्थ और द नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ऑफ योर लिविंग रूम। ऐसा करने से भी आपके लिविंग रूम की पॉजिटिविटी इंक्रीज होती है। जहाँ तक हो सके अपने लिविंग रूम में पेस्टल कलर्स का इस्तेमाल करें, डू नॉट यूज वेरी डार्क कलर्स इन योर ड्राइंग रूम। गो फॉर क्रीम कलर, गो फॉर आइवरी वाइट, उसको हाईलाइट करने के लिए कहीं कहीं पे आप लाइटर शेड्स ऑफ पिंक एंड ग्रीन, ब्लू ये दे सकते हैं, बट इफ़ यू गिव देम अकॉर्डिंग टू द वास्तु डायरेक्शंस इट विल बी मच बेटर। हम में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने ड्राइंग रूम में कुछ रॉट आयरन का फर्नीचर रखना भी पसंद करते हैं। इफ़ यू आर वन ऑफ दोज पीपल एंड यू वॉन्ट टू कीप रॉट आयरन फर्नीचर इन योर लिविंग रूम, जस्ट मेक श्योर दैट यू कीप द फर्नीचर ऑन द वेस्ट साइड ऑफ योर लिविंग रूम। वेस्ट साइड जो है वो सैटर्न का स्थान होता है और वहाँ पर हम सारा रॉट आयरन का फर्नीचर रख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको अपने ड्राइंग रूम में, लिविंग रूम में एंटीक्स रखना अच्छा लगता है तो उसको भी अपने लिविंग रूम के वेस्ट के कॉर्नर पे जगह दें। तो अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं और इसके हिसाब से अपने लिविंग रूम की डिजाइनिंग और डेकोरेशन करते हैं तो आपके लिविंग रूम में बहुत पॉजिटिविटी रहेगी और जो आपके घर में लोग आएंगे दे विल ऑल्सो फील वेरी पॉजिटिव एंड जॉयफुल। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अगर हम कहीं पेंटिंग्स अपने घर में ऐड नहीं करते फिर भी हम अपने ड्राइंग या लिविंग में पेंटिंग जरूर ऐड करते हैं। अगर हम इन पेंटिंग्स को वास्तु के अनुसार ऐड करें तो ये हमारे लाइफ में एस्थेटिक्स के साथ साथ अबंडेंस भी लेके आ सकती हैं। मैं आपको कुछ क्विक टिप्स दे देती हूँ। नंबर वन, अपने नॉर्थ के जोन में वाटर, रनिंग वाटर, वाटरफॉल या फिर किसी सी की पेंटिंग लगाएं। अगर आप नॉर्थ जोन में वाटर देते हैं तो आपका इनकमिंग मनी इंक्रीज होता है। अपने ईस्ट की वॉल पे रनिंग करते हुए वाइट हॉर्सेस की, गैलपिंग वाइट हॉर्सेस की अगर आप पेंटिंग लगाते हैं तो ये आपके लाइफ में नेम, फेम एंड रेपुटेशन लेकर आता है। अपने वेस्ट या साउथ वेस्ट के साइड में आप कोई हैवी माउंटेन की पिक्चर दे सकते हैं। ऐसा करने से आपके घर में स्टेबिलिटी आती है। साथ ही साथ अपने साउथ की वॉल पर भी आप कोई हैवी स्कल्पचर, कोई हैवी टाइल म्यूरल या इसी तरह की कोई माउंटेन पेंटिंग दे सकते हैं। ऐसा करने से भी आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आती है और आपके फाइनेंसेस कंट्रोल होते हैं, साथ ही साथ घर के मास्टर के लिए भी काफी बेनिफिशियल होता है। तो इन सभी टिप्स को अपने लिविंग रूम में जरूर अप्लाई करें। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी।